है। तो इवेंट्स क्या होते हैं कि जैसे हमारा शीट पे कभी कोई चेंज हुआ, सिलेक्शन चेंज हुआ, शीट चेंज हुई, किसी बटन पे क्लिक हुआ, इनको इवेंट्स कहते हैं। अब ये जब होता है तब हम इनको चॉइस दे सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ये इवेंट्स आपके कहाँ चलते हैं, शीट वाले कोडिंग पे, जैसे शीट वन पे कोई कोडिंग लगानी है, वर्कबुक पूरा वर्कबुक लेवल पे होता है। तो अभी शीट लेवल पे देखते हैं कैसे चलते हैं। तो ये आपका कोडिंग एनवायरनमेंट होता है उसी शीट का। अब जैसे इसमें से निकाल लेता हूँ मैं वर्कशीट, वर्कशीट पे क्लिक करूँगा तो एक मैक्रो बना बना आएगा वर्कशीट का। जब आ जाएगा तो यहाँ पे आपका कौन कौन से इवेंट है वो बता रहा है। सिलेक्शन चेंज जो पहला बन के आया है वो है कि अगर आपका कर्जर मूव होता है कोई, तो ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसमें कोई भी कोड डालता हूँ, एमएसजी बॉक्स था ना, ठीक है, तो यहाँ जब सिलेक्शन चेंज होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन से होते हैं इसमें, चेंज का एक होता है एक्टिवेट होता है, शीट जब एक्टिवेट हुई है मतलब आप किसी शीट से मूव होके इस पे आए हो, ठीक है। अब आपने कहा कि आप चेंज होके आए हो, आप लिख रहे हो मैसेज बॉक्स में वेलकम टू शीट वन इस तरह से, ठीक है। तो मैं किसी और शीट पे गया, जब इस शीट पे आऊँगा तो ये आ जाएगा, हाँ। तो ये अपने आप ट्रिगर होते हैं, ये सारे इवेंट होते हैं। इसमें एक होता है शीट चेंज, यहाँ पे है चेंज, जैसे बिफोर डिलीट, शीट को डिलीट करने से पहले, बिफोर डबल क्लिक, डबल क्लिक से पहले, बिफोर राइट क्लिक, राइट क्लिक से पहले, कैलकुलेट जो फार्मूला कैलकुलेट होता है उससे पहले, चेंज मतलब शीट में कहीं भी कोई भी चेंज हुआ है तो उसमें आप कर सकते हो डेटा चेंज। हाँ मैं मैसेज बॉक्स आपका, हाँ गलत लिखा मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पे हम जैसे ही कुछ डेटा चेंज करते हैं तभी हमें मैसेज आ जाएगा, ठीक है। हाँ सिर्फ शीट वन के लिए, ठीक है। तो अब आप, आपको इसका थोड़ा सा मतलब वो दिखाता हूँ और कौन कौन से होते हैं, फिर इस एक इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। डीएक्टिवेट, शीट से जब हम वापस जाते हैं, फॉलो हाइपरलिंक, कोई हाइपरलिंक है जब हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। लेंस गैलरी रेंडर, इसको मारो बोली, पिवट टेबल आफ्टर वैल्यू चेंज, इसको भी तो पूरी तरह से यूज़ भी नहीं होते। टेबल अपडेट, कोई टेबल बनी है उसमें कुछ अपडेट हो रहा है तब, तो इसमें आपके ये सारे इवेंट्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं अलग अलग केस में। तो जैसे कि आपके पास एक डाटा है मान लो, ठीक है, ये डाटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब एक कर्जन ले जाऊँ तो ये इस तरह से कलर हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब कर्जर ले जाऊँ तो वो हाईलाइट हो जाए, तो उस पर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन चेंज पे, और पूरी रो हाईलाइट करानी है। तो पहले आपको ना इसको ब्लॉक करना पड़ेगा कि और किसी पे ये ना चले, यहाँ यहाँ मैं चेंज करूँ तो कुछ ना हो, सिर्फ इधर ही चेंज करूँ तो हो। तो कैसे करेंगे, इसमें एक तो रो 3 से लेकर 11 तक है, ठीक है। कॉलम जो है वो हमारा 2, 3, 4, 5 है, तो 2 से 5 कॉलम और 3 से 11 रो, इसमें वर्किंग हो तभी होना चाहिए। तो सिलेक्शन चेंज वाले पे जाता हूँ मैं,
और इस पे लिख देता हूँ इफ टारगेट। देखो ये बाय वेल टारगेट जो आ रहा है ना, ये आपके क्लिक का आता है। टारगेट एक रेंज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो रेंज वाले सारे फीचर हम यूज़ कर सकते हैं। तो टारगेट डॉट रो, तो जहाँ क्लिक हुआ है उसकी रो नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड टारगेट डॉट रो लेस देन इक्वल टू 11 है, ठीक है, एंड टारगेट डॉट कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड टारगेट डॉट कॉलम, एंड का पता है ना एंड कब लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, देन, तो इससे हमने ब्लॉक कर दिया कि इसी सिलेक्शन में ये चलेगा, ठीक है। तो टारगेट डॉट रो से हमें मिल रहा है, हमें कॉलम भी मिल रहा है अपना, बी से लेकर ई तक है ना, ये पूरा हाईलाइट कराना है। तो हम ऐसे करेंगे, रेंज बी के साथ वो रो जोड़नी पड़ेगी, कंकेटिनेट कर दिया टारगेट डॉट रो, ठीक है, इसके साथ फिर कंकेटिनेट किया कॉलन ई एंड टारगेट डॉट रो, तो हमने पूरी रेंज दे दी यहाँ से, यहाँ स्पेस देना होता है कई बार तो इस वजह से भी नहीं लेता, ठीक है। अब ये रेंज डॉट इंटीरियर डॉट कलर मैंने कर दिया VB येलो, ठीक है। तो अब मैं जब जाऊंगा तो इसको ये कलर कर देगा, पर अभी क्या है कलर हटेगा नहीं, ठीक है, तो मतलब जैसे ही क्लिक हो वो कलर हटा दे, क्लिक कहीं भी हो कलर हटा दे। तो हम ये करेंगे कि रेंज ये जो इफ से पहले ऐसे कर देंगे कि रेंज, यहाँ तो मैनुअल दे सकते हैं, B3 कॉलन E11 डॉट VB नहीं डॉट इंटीरियर डॉट कलर जो है वो एक्सेल नन हो जाए, ठीक है, एक्सेल नन, कोई भी कलर नहीं, ठीक है। तो मैं कहीं भी क्लिक करूँ कलर हट जाएगा, तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है, ऑटोमेशन में इसका बहुत यूज़ होता है। तो समझे कैसे यूज़ हो सकता है ये। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कोई डेटा चेंज ना हो, कोई चेंज ही ना कर पाए ये डेटा को, ठीक है, तो मैं एक सिंपल करूँगा, जब वर्कशीट चेंज होती है इसी के अंदर, मतलब इसी डेटा को, एंड इफ, तो मैं क्या कर दूंगा, एप्लीकेशन डॉट अंडू, ठीक है। तो जैसे ही कोई चेंज करेगा इसमें 50 अंडू फेल हो गया, एप्लीकेशन डॉट अंडू, अंडू क्यों नहीं चल रहा, टारगेट डॉट वैल्यू क्या आती है पहले ये देखें, टारगेट डॉट वैल्यू पहले वाली आती है कि बाद वाली आती है, ठीक है, नई वाली आती है, पुरानी वैल्यू कैसे लेंगे इसकी, पुरानी वाली वैल्यू लेंगे हम, चेंज होते ही चलता है, एक्टिव सेल देखें क्या एक्टिव सेल क्या उठाता है,
टारगेट डॉट वैल्यू तो ये उठा रहा है, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, ये क्या उठाता है, क्योंकि साथ ही साथ सेल एक्टिव भी होती है, 50 ही उठा रहा। अंडू ने ओके, अंडू इसलिए नहीं हो रहा है ना क्योंकि वो कलर चेंज हो जा रहा है, इसलिए। हाँ वो कलर भी चेंज कर दे रहा है ना, तो हाँ, टारगेट रो तब ले रहा है जब वो जैसे ही सिलेक्शन हो रहा है ना, जैसे मैं यहाँ कर्जर ले गया तो ये टारगेट रेंज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो टारगेट पे चला जाता, टारगेट बेसिकली ये हो गया, तो इसकी रो उठा ली उसने, तो बी और ये रो, ई और ये रो, ठीक है, बी से ई तक वो चेंज कर रहा है इसीलिए, ठीक है। अब एक्टिव सेल इसका मैंने किया था, मैं भूल गया, एप्लीकेशन डॉट अंडू, अंडू तो चलेगा नहीं। ओके, पता क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक हमें ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ना, सेल डिम डिम एस एस वेरिएंट कर देते हैं, ठीक है, तो एस जो हो गई वेरिएंट वैल्यू हो गई, जब हमारा कर्जर चेंज होता है तो एस में वैल्यू डलवा देता हूँ वो मैं, ठीक है, एस इक्वल टू टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब जब यहाँ पे वैल्यू आए तो टारगेट डॉट वैल्यू हो जाए एस डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाए एस डॉट वैल्यू, एस हो जाए, ठीक है। अब करके देखते हैं, ये जैसे ही जहां कर्जर जाएगा वो टारगेट बन जाएगा इसका, ठीक है, चेंज जहां हो रहा है वो भी टारगेट हो जा रहा है, तो अभी मैंने सिलेक्शन पे लगाया था तो सिलेक्शन में एस के अंदर इसकी वैल्यू जा चुकी है, और जैसे ही मैं इस पे करता हूँ ये वापस पहले जैसा हो गया, 54 है, 65 कर रहा हूँ 54 ही रहे, ठीक है। काय का सिलेक्शन, एक्टिव सेल नहीं देंगे, देखो एक्टिव सेल ही टारगेट है यहाँ पे, देखो जहाँ सिलेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कर्जर मूव किया, अब मैंने कर्जर यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है, तो टारगेट ये बन गया, ठीक है, तो टारगेट से वैल्यू मैंने एस में सेव करा दी पहले, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आके मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो एस में जो वैल्यू पड़ी है वो इसके टारगेट में चली जाएगी, ठीक है, जहाँ चेंज हुआ है, टारगेट उसी को टारगेट करेगा जो चेंज हुआ है। यहाँ पे इस मैक्रो में टारगेट वो है जहाँ चेंज हुआ है, इस मैक्रो में टारगेट वो है जहाँ कर्जर है, ठीक है। मैं बताता रहा हूँ, देखो पहले मैं कर्जर ले गया यहाँ, ठीक है, 57 पे ले गया, अब टारगेट ये है, तो मैंने क्या किया है, सिलेक्शन चेंज किया है, तो टारगेट वैल्यू में ये एस में डाल दिया इसने, ठीक है, डाल दिया। अब इस पे कुछ अगर चेंज होता है तो पहले ये वाला मैक्रो चलेगा, तो ये वाला मैक्रो चलेगा, तो एस से जो वैल्यू आई थी वो मैंने फिर से उसी में ट्रांसफ़र करा दी जहाँ चेंज हुआ था। उसके बाद जब हम एंटर करके नीचे जा रहे हैं तब सिलेक्शन चेंज का फिर से चलता है और उसमें नई वैल्यू डाल देता है, समझे। तो पहले जो इवेंट हुआ है, मतलब कर्जर तो बाद में हुआ, मूव हुआ है, पहले चेंज हुआ है ना, ठीक है ना, तो इस तरीके से चल रहा है।
ठीक है, अब वही आपको चेंज कराना है, जैसे हम वो करते हैं रिव्यू में करते नहीं है, कमेंट में डलवा देते कि दिस वैल्यू चेंज बाय दिस वैल्यू, तो वो आपके पास दोनों वैल्यू हैं अब, तो इससे भी करा सकते हो कि कमेंट में डाल दो। टारगेट डॉट एड कमेंट, एड कमेंट में हम डालेंगे एस मतलब जो वैल्यू है वो चेंज्ड बाय बाय टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें चेंज हो गई है, ये आएगा अब कमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मारा कि सिक्स, यहाँ नीचे आ जाता हूँ 65, तो इस पर कमेंट आ गई कि 15 चेंज बाय 65, ठीक है। हाँ अब मैंने चेंज करवाया है, पर हाँ इसमें दोबारा करूँगा तो एरर मारेगा, क्योंकि ऐड कमेंट सिर्फ एक ही बार होता है ना, तो हाँ तो एडिट कमेंट करना पड़ता है इसमें। तो टारगेट, अगर कमेंट को एडिट करना है तो टारगेट डॉट एडिट कमेंट है, कमेंट 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 डॉट कमेंट डॉट टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, पहले उस टेक्स्ट को उठाएंगे और फिर कमेंट के टेक्स्ट में नए के साथ कंकैटिनेट कर देंगे, ठीक है, और इसको डिलीट करेंगे। पहले कमेंट का हमने टेक्स्ट उठा लिया, कहीं सेव कर लिया, ठीक है, फिर उसको डिलीट करा के उसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिम पी एज स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, और इसने क्या किया, ऐड कमेंट किया इस केस में, इसको हटा देता हूँ। कमेंट डॉट टेक्स्ट मैंने पी में स्टोर कराया और टारगेट डॉट कमेंट डॉट डिलीट, या और कोई ऑप्शन है इसमें, डिलीट ही कर देते हैं। कमेंट टेक्स्ट क्या कर रहा है, कुछ नहीं। फिर टारगेट डॉट ऐड कमेंट में मैंने पी के साथ मैंने ऐड किया, अगली लाइन में जाना है ना, तो इसके लिए कैर 10 CHR का है, कैर का फॉर्मूला कैट, ये होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब इसमें ले लो कि S वो चेंज्ड बाय यही वाला सेम, तो उसी के नीचे ऐड हो जाएगा। अब इसमें मैं गया तो इसमें क्या चेंज हुआ, ठीक है, ये ऐसे ऐड होता चला जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, अब कुछ भी करेंगे बार बार कर सकते हैं, पर बार बार कैसे करेंगे, टेक्स्ट में कुछ भी नहीं होगा, ऐड कमेंट, ठीक है, ठीक है, यहाँ 37 से 52,
अब ये है कि कमेंट टेक्स्ट में तो कुछ था ही नहीं, तो इसमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी अगर ब्लैंक हो तो क्या करना है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, जहाँ एरर आए वहाँ नेक्स्ट बढ़ जाओ, ठीक है। 57 56 से बदला, ठीक है, क्या आया इसमें, 57 56 से बदल गया 58, ठीक है, और ये 65, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इवेंट का यूज कर सकते हैं अलग-अलग केसेस में। पहले नीचे वाला जो काम कर रहा है उसको अभी तो अलग करेंगे। हाँ, इसका बस आपको ये समझना है कि ये चलता कब कब है। मैंने पहले ये चल रहा है नीचे वाला, उसके बाद ऊपर वाला करेंगे, सिलेक्शन वाला देखो, जो पहले चीज जो पहले होगा वो पहले चलेगा। अगर मैं कर्जर चेंज कर रहा हूँ तो अभी कर्जर वाला चल रहा है, सिलेक्शन वाला। अब जो चेंज करूंगा, अगर यहाँ चेंज करूंगा तो चेंज का पहले चलेगा, उसके बाद कर्जर मूव हुआ है ना चेंज होने के बाद, तो अब कर्जर वाला चलेगा, ठीक है। ऐसे होता है, जो इवेंट पहले होगा वही चलेगा। अब मान लो कि आपको क्या करना है, देखो ये वर्कशीट वाले आप समझ गए कि कैसे चलते हैं इवेंट, ठीक है। हर एक वर्कशीट पे अलग अलग लगा सकते हो। अब मान लो कि वर्कबुक पे कौन से होते हैं, वर्कबुक पे आते हैं। वर्कबुक पे होता है आपका वर्कबुक ओपन, जब फाइल खुली है आपकी, तो पासवर्ड लगा सकते हो कुछ भी। डीएक्टिवेट होती है, कोई चार्ट इंसर्ट होता है, कोई नई शीट इंसर्ट होती है, क्लोज होती है शीट बिफोर डिलीट, डिलीट करने से पहले शीट की कैलकुलेशन चेंज होती है, मतलब किसी भी शीट की, ये एक शीट नहीं है, शीट चेंज मतलब कोई शीट में डेटा चेंज हुआ है। और आपका बिफोर क्लोज, बिफोर सेव, बिफोर प्रिंट, तो बहुत सारे हैं इसमें आपको। वर्कबुक जब एक्टिवेट हुई है, आफ्टर सेव, सेव करने के बाद क्या करना है, ठीक है, क्लोज करने से पहले डाटा सेव करना है नहीं करना है, इस तरह से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि न्यू शीट वाला लगाते हैं, एक मैक्रो न्यू शीट, ठीक है, कि कोई न्यू शीट ऐड होती है तो हम लगाएंगे। शीट जैसे ही ऐड होती है वो एक्टिव बन जाती है, तो एक्टिव शीट, एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू हो जाए, हम वो इनपुट बॉक्स से ले लेते हैं, ठीक है, कि आप शीट का नाम डालो, मतलब शीट रिनेम कर दे, एंटर शीट नेम, ठीक है। तो जैसे ही नई शीट इंसर्ट हुई, इनपुट का टी नहीं लगाया, टी 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 टी, ये आया शीट नेम, तो मैंने कर दिया इसका नाम हो जाएगा डेटा, ओके। तो ये आपका डेटा में चेंज हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि शीट पे पासवर्ड लगा सकते हो, कि कोई पासवर्ड डाल के ही इस पे जा पाए, अदरवाइज वापस उसे शीट वन पे ले जाए, ठीक है। तो जब डेटा शीट एक्टिवेट हो रही है, ये शीट जब एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट, तो ये मांगेगा, ये इस पे मांगेगा कि इनपुट बॉक्स बॉक्स एंटर पासवर्ड, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ,
और ये पासवर्ड चला जाएगा, मान लो एस में डाल दिया मैंने, ऐसे कोई भी, ठीक है, इफ एस इक्वल टू 1234 देन एंड इफ, तब तो ये रहने दे कुछ ना करे, तो मैं इसको कर देता हूँ नॉट इक्वल टू। अगर इसके बराबर नहीं है तो क्या करे ये, उसको वापस शीट वन पे ले आए, तो शीट वन डॉट एक्टिवेट, ठीक है। तो हम यहाँ से आए, एंटर पासवर्ड मांग रहा है, 1234 डाला तो यहाँ रहने देगा, अदरवाइज कुछ भी डालेंगे तो उधर ही चले जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मूव कर सकते हो शीट, मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हो, या शीट हाइड कर दे, ऐसा कर दे, ठीक है ना। तो इवेंट क्लियर है, कैसे कैसे होगा, जैसे फाइल ओपन हो रही है, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब मान लीजिए कि इसी शीट को मैं मान ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, इवेंट्स के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं वर्कबुक में गया, और मैंने ये कहा कि जैसे ही वर्कबुक ओपन होती है, 30 दिन का मुझे वो देना है इसको टाइम, कि सॉफ्टवेयर बना दिया, 30 दिन का ट्रायल दे दिया, ट्रायल के बाद लॉक हो जाए, ठीक है, 30 दिन बाद। तो मैं क्या करूँगा, डेट का एक वो बनाया, ठीक है, डेट डाल दी जब मैं इसे दे रहा हूँ, डेट मैंने डाली आज 30 जुलाई है ना, तो 15 जुलाई 2016 हैश करके डेट डालते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ टुडे, एक इसमें जो टुडे का फंक्शन है वो इसमें चलता है डेट के नाम से, डेट माइनस डी इज ग्रेटर देन 30, देन इसमें पासवर्ड लगा दे, तो पासवर्ड लगाएंगे एप्लीकेशन डॉट एनक्रिप्ट एप्लीकेशन नहीं वर्कबुक, वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक पे, एक्टिव वर्कबुक डॉट एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, या पासवर्ड, पासवर्ड इसमें हम दे देंगे 1234, ठीक है, और कहेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, और एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, बंद हो जाएगी। तो वो जो मैसेज होता है, मैसेज के लिए क्या करते हैं कि मैसेज ना आए, पूछे ना हमसे, एक्टिव वर्कबुक कर दी, ट्रू कर दिया, तो अभी 15 दिन पे करते हैं, वैसे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, इवेंट नॉर्मली ओपन हो रहा है, पर जहाँ डेज पास होंगे, मान लो इसको 15 दिन कर देता हूँ, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा है, अब इसको जब मैं ओपन करूँगा,
एक सेकंड, अब इसमें मैं करूंगा, हाँ चला नहीं मैक्रो ओपन करने के बाद, ग्रेटर देन 15 डेज देन एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड डॉट सेव डॉट क्लोज, हाँ नहीं तो डेट की भी तो वैल्यू आ रही है, करते हैं देखो 15 दिन, 7 जुलाई, 15 जुलाई दिया था ना, ओहो हाँ सही कह रहे हो, 10 दिन दे देता हूँ, ठीक है उसे सेव करता हूँ, और यहाँ से इवेंट्स ये क्लोज हो गई, अब नहीं खुलेगी ये। अब इसको खोलने का तरीका क्या है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हर बार ऐसे करेगी, आपको मैक्रोस डिसेबल करने पड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। तो जो पासवर्ड हमने डाला था वो पासवर्ड भी नहीं, अब वो पासवर्ड भी डाल दिया और ओपन भी नहीं कर रहा है, अब देखो यहाँ से देखो डिसेबल कर दिया, गो आ, 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 ट्रस्ट सेंटर में गया, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, पहले मैक्रो मुझे डिसेबल करने पड़ेंगे, ठीक है अब उस फाइल को ओपन करता हूँ, इवेंट्स वाली, पासवर्ड मांग रहा है, डबल प्रोटेक्शन लगी, 1 2 3 4, किसी भी तरह वो ओपन भी कर ले तो विदाउट पासवर्ड के नहीं खोल पाएगा, ठीक है, और हम मैक्रो भी देते हैं ये पासवर्ड लगा के देते हैं, तो वो वहाँ तक खोल जाए फिर ये नहीं खोलता, हर बार फाइल ऐसा ही करेगी, जब भी 15 दिन से ज़्यादा होगा पासवर्ड लगाएगी चेंज, पासवर्ड लगाएगी कर देगी, लॉक ही करती रहेगी। जो पासवर्ड लगाना होता है इसमें तो यहाँ से लगाना होता है, टूल्स में जाके ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में नहीं, टूल्स में जाके ये विच बी ए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देनी होती है, पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है, लॉक प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग, ये पासवर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता है फिर एक बार लगाने। अब मुझे जाके पासवर्ड हटाना पड़ेगा और ये मैक्रो डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्लाइंट्स को मैं ऐसे ही देता हूँ लगा के, ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एनक्रिप्ट पासवर्ड, पासवर्ड एनक्रिप्शन जो है वो हटानी पड़ेगी, ठीक है, वापस से मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा, तो काफ़ी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ओके, अब जाके आपकी फाइल ये सेफ हुई है, ठीक है, अब आप ऐसे बोल सकते हैं। तो हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो इवेंट्स के ज़रिए और क्या क्या कर सकते हैं आप लोग देखो, ठीक है, कोडिंग के साथ, आपका वर्कबुक के साथ, इनके साथ बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे नेट पे, ठीक है, अलग अलग तरह के डैशबोर्ड से रिलेटेड, ऑटोमेटेड डैशबोर्ड देखो, ठीक है, जो आपके ऑटोमेटेड होते हैं ना VBA के थ्रू चलते हैं, बस उनको देखो, आप देख के समझ जाओगे कि कौन से इवेंट पे लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी के लिए मैं आज के लिए इतना ही करता हूँ, ठीक है, और ये फाइल भेज देता हूँ, ठीक है जी, ओके okay.